नमस्कार, स्वस्थ भारत में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज स्वस्थ भारत में हम बातचीत करने जा रहे हैं गॉल ब्लैडर के बारे में, गॉल ब्लैडर डिजीजेस के बारे में, खास तौर से गॉल ब्लैडर स्टोन्स के बारे में। अगर आपके पास इससे जुड़े हुए कोई भी सवाल हैं तो आप हमारे कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं, टेलीफोन करके अपने सवाल पहुंचा सकते हैं सीधे हमारे स्टूडियो में, और हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स जो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं आपके सवालों के जवाब देंगे। पिछले सप्ताह क्योंकि हमने ये बता दिया था कि इस हफ्ते हम गॉल स्टोन्स के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं, तो बेइंतहा सवाल हमारे पास हफ्ते भर में आ चुके हैं, उन पर बेस्ड एक लंबा चौड़ा सा क्वेश्चनेयर हमने भी तैयार किया है। और इसके अलावा आपके सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वो मेहमान, आइए पहले उनसे आपकी मुलाकात करा दें और फिर आपको बताएंगे वो टेलीफोन नंबर जिस पे फोन करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं सीधे हमारे पैनलिस्ट से। आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर के अग्रवाल। डॉक्टर के अग्रवाल इज अ सीनियर कंसल्टेंट एट डेली मूलचंद हॉस्पिटल। ही इज प्रेसिडेंट हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट इलेक्ट डेली मेडिकल एसोसिएशन। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द शो। उनके साथ बैठे हैं डॉक्टर एम पी शर्मा। डॉक्टर एम पी शर्मा is former professor and head of the department of gastroenterology at all india institute of medical sciences. good morning and welcome good to morning. the show. aur unke saath baithe hain dr pradeep chowbey. dr chowbey is chairman department of minimal excess surgery at sir gangaram hospital new delhi. good morning and welcome to the show. aur iske alawa studio mein hamare saath maujood hain aapke bahut sare representative, kafi sare darshak jo apne saath kuch sawal lekar aaye hain aur inke sawalon ko इत्मीनान से हमारे पास और हमारे पैनलिस्ट के पास पहुंचाने के लिए, हमारी मदद करने के लिए इन्हीं के साथ बैठी हैं नवप्रीत। और अब आपको बता देते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पे फोन करके आप सीधे अपने सवाल पहुंचा सकते हैं हमारे स्टूडियो में। हमारा टोल फ्री टेलीफोन नंबर है 1600-119-662, या फिर आप प्रोग्राम के दौरान भी हमें ईमेल कर सकते हैं healthyindia@dd.nic.in पर। सिर्फ दो तीन चीजों की छोटी छोटी दरखास्त। पहली बात, अगर सवाल पूछें तो हमारे आज के सब्जेक्ट यानी गॉल ब्लैडर डिजीजेस से रिलेटेड सवाल ही पूछें। सवाल पूछने से पहले अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स को अगर एक कागज पे नोट कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। टेलीफोन करते समय अपने घर में चलते हुए टीवी का वॉल्यूम कंट्रोल बिल्कुल जीरो कर दीजिए, और उसके अलावा सवाल पूछते समय थोड़ा सा टू द पॉइंट और स्पेसिफिक रहें तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सवालों को इस कार्यक्रम में इंक्लूड कर सकें। अब अपनी आज की बातचीत शुरू करते हैं, और सबसे पहली चीज मैं जानना चाहूंगा डॉक्टर एम पी शर्मा से। डॉक्टर शर्मा, गॉल ब्लैडर शब्द है जो हम खूब कॉमनली सुनते हैं, क्योंकि गॉल ब्लैडर स्टोन्स कॉमन होते हैं इसलिए ज्यादातर ये सुनाई देता रहता है, लेकिन गॉल ब्लैडर एग्जैक्टली है क्या, शरीर में इसका रोल क्या है? गॉल ब्लैडर जो है ये बाइल का स्टोर हाउस है जी। ये लिवर के नीचे एक छोटा सा ऑर्गन है जिसमें की जो बाइल लिवर से बनता है जी, वो गॉल ब्लैडर में आके इकट्ठा हो जाता है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो बाइल जो है जो गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है और कॉन्ट्रैक्ट करके बाइल इंटेस्टाइन में आ जाता है, तो ये स्टोर हाउस है। अब जब तक ठीक है तो उसको रखते हैं जी, जब ये खराब हो जाता है तो इसको निकाल सकते हैं, निकाल दिया जाता है। उस समय जो काम होता है लिवर, वो डायरेक्टली वो काम कर ले लेता है। एक छोटी सी चीज आपसे जानना चाहूंगा, बाइल का डाइजेशन प्रोसेस में रोल क्या है? बाइल जो है फैट्स के डाइजेशन में सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, जो कि पैनक्रियास के साथ पैनक्रेटिक एंजाइम्स आते हैं और बाइल आता है, तो बाइल जो है इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द फैट्स व्हिच वी टेक इन द डाइट। यानी हमारी बॉडी का जो नेचुरली जो हमें बॉडी को बनाया गया है वो इस तरीके से है कि लिवर बाइल को प्रोड्यूस कर रहा है, उसके बाद वो गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रहा है जी, और जब जरूरत है तो वहां से रिलीज सब, लेकिन उसके बिना भी शरीर नॉर्मल तरीके से चल सकता है, क्योंकि फिर लिवर जो है काम करता है। चलिए, तो इसकी इसकी डिटेल को तो बाद में डिस्कस करेंगे। डॉक्टर साहब ये बताइए कि गॉल ब्लैडर में क्या क्या डिजीजेस, क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? गॉल ब्लैडर का सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम है गॉल ब्लैडर स्टोन्स जी। स्टार्टिंग जो अर्ली स्टेज आती है इसमें गॉल ब्लैडर पॉलिप्स होते हैं, मल्टीपल पॉलिप्स रहते हैं जिसका कोलेस्ट्रोसिस भी कहते हैं, और उसके बाद में ग्रेजुअली वो छोटे छोटे स्टोन्स में फॉर्म हो जाते हैं जी। यही छोटे छोटे स्टोन एक आपस में मिलके एक बड़ा स्टोन बना लेते हैं। सो मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट्स विल हैव प्रॉब्लम विद द गॉल ब्लैडर स्टोन्स। ऑफ कोर्स गॉल ब्लैडर के कुछ मोटिलिटी डिसऑर्डर्स भी होते हैं जी, जो कि उतने कॉमनली नहीं देखे जाते और उनको डायग्नोस करना भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है जी। बट अगर हम एक ही डिजीज के बारे में बात करें जैसे गॉल ब्लैडर स्टोन, आई थिंक गॉल ब्लैडर की प्रैक्टिकली काफी बीमारियां इससे कवर हो जाती है। ऑफ कोर्स जो दूसरी एक कॉमन प्रॉब्लम है वो है कैंसर गॉल ब्लैडर का, जो कि ज्यादातर स्टोन की प्रेजेंस में ही पाया जाता है। ऑफ कोर्स उसके अलावा पैंक्रियाटाइटिस है जो गॉल ब्लैडर स्टोन प्रोड्यूस करते हैं। सो इस तरह की दो तीन मेजर बीमारियां हैं जो गॉल ब्लैडर से
गॉल ब्लैडर स्टोन से रिलेटेड होती है। लेकिन जो भी चीजें हैं वो बेसिकली जो शुरू होता है सारा काम वो गॉल ब्लैडर स्टोन से ही शुरू होता है। सारी शुरुआत प्रैक्टिकली गॉल ब्लैडर स्टोन से ही शुरू होती है। डॉक्टर अग्रवाल ये बताइए कि गॉल ब्लैडर के बारे में कहीं भी थोड़ा सा पढ़ना शुरू करें तो फटाफट वो किसी ना किसी तरीके से लाइफ स्टाइल से रिलेट हो जाता है। हाउ क्लोजली आर द टू थिंग्स रिलेटेड? सबसे पहले तो ये है कि इंडिया को अगर हम दो हिस्सों में बांटे जी तो एक नॉर्थ इंडिया एक बाकी का इंडिया। जी नॉर्थ इंडिया के अंदर में हम स्टोन बेल्ट बोलते हैं, यहाँ पे गॉल ब्लैडर स्टोन बहुत ज्यादा है, यहाँ पर कैंसर भी ज्यादा है, गॉल ब्लैडर स्टोन भी ज्यादा है। तो नॉर्थ इंडिया का लाइफस्टाइल और रेस्ट ऑफ द इंडिया का लाइफस्टाइल में हमेशा कुछ ना कुछ हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कहते हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन ऑल ओवर द वर्ल्ड एक टर्म हमें मेडिकल स्कूल में पढ़ाई जाती है, फैट फीमेल 40, फैट फीमेल 40, 40 साल फर्टाइल, फर्टाइल जी, फैट फीमेल 40 फर्टाइल। ओके, तो 40 साल की औरत जो फैटी है और 40 साल की है, फैट फीमेल ऑफ 40 इनफर्टाइल, ये लिंक्ड है। तो अल्टीमेटली फैट ओबेसिटी से इसका लिंक आता ही है बार बार, डायबिटीज एंड ओबेसिटी, फैट के अंदर ओबेसिटी भी ज्यादा होगी, डायबिटीज भी ज्यादा होगी। इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं, एक रिस्क फैक्टर तो बिल्कुल वही है जो हार्ट डिजीज से होते हैं जी, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा रहे हो, फैटी मील ज्यादा खा रहे हो, फाइबर कम खा रहे हो, लो फाइबर डाइट है, तो इसके रिस्क फैक्टर्स वही हैं जो कि हार्ट डिजीज से होते हैं। एंड नॉर्थ इंडिया में हम देखते हैं कि हार्ट डिजीज भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ब्रेस्ट कैंसर भी बढ़ रहा है, ब्रेस्ट कैंसर के भी ये रिस्क फैक्टर हैं जी, प्रोस्टेट की बीमारी भी बढ़ रही है, इसके रिस्क फैक्टर्स भी यही हैं। सो अल्टीमेटली इट कम्स बैक टू द सेम लाइफस्टाइल। कुछ लोगों का कहना है जिसके ऊपर साइंटिफिक स्टडीज पूरी नहीं है कि अगर आप रैपिड वेट लॉस करते हो तो गॉल ब्लैडर स्टोन ज्यादा बढ़ते हैं, स्पेसिफिकली दोस पीपल हु गो इनटू क्रैश डाइट्स ऑफ एंड ऑन, कि फैट फीमेल्स हैं एंड दे गो इनटू अ क्रैश डाइट, सम पीपल से दैट दे आर मोर चांसेस ऑफ डेवलपिंग गॉल स्टोन्स इन देम। दोस पीपल हु प्रोलॉन्ग हैव अ प्रोलॉन्ग फास्टिंग फॉर रिड्यूसिंग वेट जी, कि वो 8-8 घंटे खाते नहीं, 12-12 घंटे खाते नहीं, सुबह खाया और रात को खाया नहीं, ब्रेकफास्ट लिया नहीं, दैट मे ऑल्सो बी रिलेटेड सम हाउ विद गॉल ब्लैडर स्टोन, बट एग्जैक्टली आइडियोलॉजी नोबडी नोज। Okay. But that is for sure कि जो भी आप हाई फाइबर डाइट खा रहे हो, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, आपकी फैमिली हिस्ट्री है, और अगर आपके अंदर में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा रहे हो तो गॉलस्टोन्स होने के चांसेस ज्यादा है। ओके, आपने एक बात मैं और ऐड कर दूं, डॉक्टर अग्रवाल ने तो बिल्कुल ठीक कहा कि एक जो गॉल ब्लैडर में जब फास्टिंग हो जाती है या लोग प्रोलॉन्ग फास्टिंग में चाहिए, डॉक्टर चौबे ने ऑपरेशन कर दिया वेट रिड्यूस करने के लिए जी, तो बाइल कंसंट्रेट हो जाता है गॉल ब्लैडर के अंदर, उसको हम स्लज कहते हैं, स्लज मींस इज ए कंसंट्रेटेड बाइल। ये स्लज अगर नॉर्मली तो डिसअपीयर हो जाते हैं अगर आप खाना शुरू कर दें, फास्टिंग खत्म हो जाए, एक्सरसाइज शुरू कर दें, यू चेंज योर डाइट प्रोग्राम, तो ये नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन कुछ केसेस में अगर आप नहीं केयरफुल हो तो ये स्लज जो डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कैन बी ट्रांसफर चेंज इन टू स्टोन्स। अच्छा, अब द इम्पोर्टेंट थिंग इज अगेन द डाइट, फिजिकल एक्टिविटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। नॉर्थ इंडिया में डॉक्टर अग्रवाल ने भी कहा कि जो फैट जो है जो फर्टाइल 40 फीमेल में, ये देखा कि ओबेसिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड ऑल्सो द डाइट विच इज रिच इन फैट। अब यहाँ दो चीजें आयुर्वेद वाले और चीज ऐड करते हैं विच वी हैव नो एविडेंस इन आवर एलोपैथिक लैंग्वेज, कि जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होता है उनके साथ में एसोसिएटेड है। आयुर्वेद वाले कहते हैं कि अगर आप गॉल ब्लैडर स्टोन्स बचाना चाहते हो तो देन रात के टाइम पे ये सब गोल लो या त्रिफला लो, कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड रखो। व्हाट इज द एसोसिएशन वी डोंट नो। आपकी साइंस जो है वो इसके बारे में स्पेसिफिकली कुछ नहीं, साइंस भी ये कहती है कि कॉन्स्टिपेशन नहीं रखो, वी डोंट टॉक अबाउट कॉन्स्टिपेशन विद गॉल, लेकिन सीधा रिलेशनशिप कोई नहीं है। अच्छा डॉक्टर, मैं दो चीजें मैं यहां जानना चाहूंगा। पहली चीज तो मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा, ये जो बहुत सिंपल फॉर्मूला आपने बताया, फैट फीमेल 40 फर्टाइल जी, मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा जी, फेयर फेयर, ओके, फेयर कॉम्प्लेक्शन, so it's seen in more fair persons. तो F जो है हमारे वो तीन से पांच हो गए हैं, five F जी। एक हमारे पास ईमेल आई पिछले सप्ताह में जी, उसमें थोड़ा सा उन्होंने इंटरनेट से ये सारी पढ़ाई की जो आप बता रहे हैं, और उसके बेसिस पे उन्होंने एक बड़ी सिंपल सी चीज पूछी कि आपने कहा कि अगर वो बाइल कॉन्सेंट्रेटेड रहता है जी, तो पॉसिबिलिटी है उसके कन्वर्ट होने की। ये कहते हैं कि अगर कोई फैट्स ना खाए जी, यानी बाइल की यूटिलाइजेशन उसकी बॉडी में कम हो, तो बाइल का क्या वहां पे ज्यादा रहना, कैन इट लीड टू स्टोन्स? नहीं, बिल्कुल नहीं ले सकता जी। बाइल में तीन चीज होती हैं, एक तो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, एक लेसिथिन्स होती है, एक कोलेस्ट्रॉल, एक बाइल सॉल्ट्स होते हैं। ये तीनों एक ट्रायंगल बना के रहते हैं, तब तक ऐसा रहता है तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो लिक्विड होता है। एनी चेंज इन दीज थ्री थिंग्स, फॉस्फोलिपिड, लेसिथिन एंड बाइल में कोई चेंज हो तो गॉलस्टोन बन जाता है। तो जो मैंने कहा ना, कोलेस्ट्रॉल हो गया, फॉस्फोलिपिड्स हो गए, वो अगर आप ज्यादा खाने में खाएंगे तो बन जाता है। नहीं, इनका पॉइंट ये था कि अगर आप अगर आप फैट नहीं खा रहे हैं, यानी फैट फ्री डाइट ले रहे हैं जी, और बाइल आपकी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है, वो
एक्सरसाइज हो नहीं रहा जी, तो क्या ये भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है? फैट फ्री डाइट खाना क्या एक रिस्क फैक्टर हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बाइल के और भी एक्शंस हैं, और भी एक्शंस हैं। इट वर्क्स एज ए एंटी, वो क्या कहते हैं, इट वर्क्स फॉर द क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस ने कहते हैं उसको, क्या कहते हैं कि इट वर्क्स एज ए एंटीसेप्टिक इन द बाइल। यानी इट्स सिंपली हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप फैट नहीं खा रहे तो भी बाइल कंज्यूम हो रहा है। ऐसा नहीं कि वो वहां पे सिर्फ बाइल स्टोर्ड है, मुझे तो मेल एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन बाइल होना जरूरी होता है। अगर आप फैट नहीं भी खाएं तो बाइल का होना फिर भी जरूरी है, कोई नुकसान नहीं होता जी। इस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए अपने दर्शकों के सवाल इंक्लूड करने शुरू करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं हमारे साथ काफी दर्शक हैं, आइए उनका सवाल लेते हैं। कौन पूछना चाहेगा? आप लेंगे? मेरा नाम रोहित साहू है। सर मैं पूछना चाहता हूँ गॉल स्टोन के मरीज को क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? डॉक्टर चौबे, बहुत कॉमनली लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि गॉल स्टोन हमने सुन लिया, गॉल स्टोन की कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है? सबसे पहला तो सिम्टम्स जो होते हैं कि प्रॉब्लम है पेन जी, राइट अपर एब्डोमेन में पेन होता है जिसका कि रेडिएशन पीछे की तरफ होता है, कमर की तरफ जाता है जी। तो ये एक बड़ा क्लासिकल गॉलब्लैडर स्टोन का पेन है, और इसको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि वी हैव टू गिव पेन किलर एंड रिलीव द पेशेंट ऑफ हिज और हर पेन। सेकेंड और थर्ड जो आगे के कॉम्प्लिकेशन है, अगर इसमें से कोई स्टोन गॉलब्लैडर की नेक में जाके इम्पैक्ट हो जाता है जी, तो ऑफकोर्स इसको हम लोग एम्पाइमा कहते हैं, जिसमें गॉलब्लैडर में पस बन जाती है। अगर वही स्टेन वहाँ स्टक ना हो के अगर नीचे कॉमन बाइल डक्ट में चला जाता है तो नेचुरली पेशेंट को जॉन्डिस हो जाता है और पीलिया हो जाता है, और थोड़ा सा और आगे जाने में उसको एक पैंक्रियाटाइटिस होने के अंदेशा रहता है, जो कि एक काफ़ी रिस्की और लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो सकती है। अच्छा, अब अगर हम इससे एक कदम पीछे हटते हैं, ये बताइए कि क्या हर मरीज को जिसके गॉल ब्लेडर में स्टोन्स हैं सिम्टम्स होंगे? जी नहीं, ये जरूरी नहीं है कि हर मरीज को सिम्टम्स उस वक्त हो जब उसका डिटेक्शन हो। कई बार कुछ दूसरे कारणों से जब अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जैसे प्रेगनेंसी है या कोई और दूसरी गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर है या कुछ दूसरे एब्डोमिनल पेन्स हैं, उन सिचुएशंस में जब अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो कई बार इंसिडेंटली गॉल स्टोन भी पाए जाते हैं। तो वो ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके गॉलब्लैडर में स्टोन है बट अभी तक उन्होंने सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं किया है, सो फॉर अदर रीजंस दे आर डिटेक्टेड। एक बात मैं और कहना चाहूंगा यहाँ पे जी, एक जो बहुत कॉमन सिम्टम हम लोग देखते हैं कि पेट में गैस बनती है जी, पेट फूल जाता है, मैं खाना खाता हूँ, मोस्टली द फीमेल्स कहती हैं, जो लेडीज आती है मेरे पास कि साहब मैं खाना खाया, पार्टी में गई थी, पार्टी मैंने पूरी पराठे खा ली, मेरे को बहुत जोर से पेट फूल गया, पेट में दर्द हुआ, डिस्टेंशन हुआ। जरूरी नहीं कि उसको गॉल ब्लैडर का बिलियरी कॉलिकी हो, ये सिम्टम्स भी देखे गए हैं जिसको कि कहते हैं डिस्पेक्सिया जी, फ्लैचुलेंट डिस्पेक्सिया, प्रिडोमिनेटली आफ्टर टेकिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फैटी मील्स, ये भी एक कॉमन सिम्टम देखा गया है। डॉक्टर अग्रवाल ठीक है, अच्छा आप इन्हीं की बात को ये बात जी, ओके जी। डॉक्टर साहब, आप एक चीज में और आपसे जानना चाहूंगा कि एक छोटी सी बेसिक चीज जो हम अभी तक डिस्कस नहीं कर सके, कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है जिनमें गॉल ब्लैडर स्टोन्स होते हैं? देखिए अनफॉर्चुनेटली हमारे अभी तक कोई ऐसी इंसिडेंस स्टडी नहीं हुई है। मैं हॉस्पिटल बेस्ड स्टडी बता सकता हूँ, और वो हॉस्पिटल बेस्ड स्टडी ठीक नहीं होती बिकॉज वो ऑल दो सिम्टम्स कम डाउन। एक हमने बहुत छोटी सी स्टडी की थी हमारे डिपार्टमेंट में जी, हमने दिल्ली की को चार में डिवाइड किया था, एक हिस्सा था जो प्रिडोमिनेटली जहाँ पे की साउथ इंडियन रह रहे थे, एक हिस्सा था जो प्रिडोमिनेटली जहाँ पे पंजाबी पॉपुलेशन थी जो डॉक्टर, एक हमने ली थी गवर्नमेंट पॉपुलेशन जो मिक्स पॉपुलेशन थी, और एक हम गए थे विलेज में एट विलेज लेवल। सो हमको ये देखा गया था कि इन चारों में जो लगा था जो इंसिडेंस था वो उस पॉपुलेशन में ज्यादा था जो कि पंजाबी स्पीकिंग थे और या पंजाब से आए हुए थे। एंड देन वी वेंट इनटू दैट डाइटरी पैटर्न, वी फाउंड दैट दे वर कंज्यूमिंग मोर फैट्स देन अदर पीपल। ओके, सो फैट हैज एंड ऑल्सो इन नॉर्थ इंडिया, एग्जैक्ट इंसिडेंस तो हम नहीं वर्कआउट कर पाए थे बट वी फाउंड that was more common in the North Indian population. अच्छा जी, इसमें सिर्फ एक चीज ऐड करता हूँ कि जो वेस्टर्न इंसिडेंस अगर हम लेके चले अमेरिका का लेके चले तो अगर द एज ऑफ 40 अगर आप हर आदमी का अल्ट्रासाउंड कराओ तो 10% लोगों को आपका अल्ट्रासाउंड मिलेगा, 10% लोगों को गॉलब्लैडर में स्टोन मिलेगा वहां पे जो है, दैट्स अ वेरी हाई इंसिडेंस देयर। सिमिलरली इंडिया के अंदर में भी, दिल्ली बेल्ट के अंदर भी अगर आप एसिम्प्टोमेटिक पॉपुलेशन का करो तो सकता है आपको 6-10% लोगों को मिले। अच्छा, अब और जिनको स्टोन्स है जी, 2% of them will develop complication every year.
अगर 100 लोगों को स्टोन है, कॉम्प्लिकेशन रेट इज 2%, इज अ वेस्टर्न फिगर, इंडिया के अंदर में कोई स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल नहीं है. सो इंटरनेशनल फिगर्स आर कि अगर 100 लोगों को स्टोन है कि 2% को कॉम्प्लिकेशंस होंगी. जी. अगर किसी को कॉम्प्लिकेशन हो गई, यानी कि आज एक आदमी को कॉम्प्लिकेशन हुई गॉल ब्लैडर के अंदर, कोलिक हुआ, तो 50% चांसेस है कि नेक्स्ट ईयर में फिर होगी. ओके. द सेकंड अटैक विल कम 50%. इसलिए अगर पहला कॉम्प्लिकेशन आ गया तो इमीडिएटली गॉलब्लैडर निकलवा देना. जब आप कहते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस यानी सिम्टम्स जो हैं वो उसमें से एक छोटी सी परसेंटेज, गॉलब्लैडर का पेन जिसने एक बार एक्सपीरियंस कर लिया वो कभी भूलता नहीं. इससे सबसे सिवियर एक्सक्रूशिएटिंग पेन बिलियरी कॉलिक जो होता है वो भूलता नहीं है. वो तो हमेशा इनवेरियबली आता है कि डॉक्टर साहब दोबारा मैं इसको सहन नहीं कर. गॉलब्लैडर का स्टोन गॉलब्लैडर की नेक पे इम्पैक्टेड है या कॉमन बाइल डक्ट में है तो उसका पेन टिपिकली फ्रंट में होता है जस्ट बिलो द रिब केज और उसी स्पॉट पे पीछे बैक पे होता है. दिस इंडिकेट्स दैट द गॉलब्लैडर स्टोन आइदर इज इंपैक्टेड एट द नेक और इट हैज गॉन इनटू द कॉमन बाइल डक्ट. ये दो सिचुएशन में ये इस तरह का टिपिकल पेन देखा जाता है. अच्छा, एक दूसरी चीज अब जो मैं जानना चाहूंगा कि मान लीजिए सिम्टम्स हो, किसी को गॉल स्टोन्स के सिम्टम्स हुए तो उस समय इमीडिएटली उसको क्या करना चाहिए, व्हाट नेक्स्ट? उस वक्त तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसके पेन को दूर करने के लिए. जी. सो व्हाट ही नीड्स इज या तो टैबलेट कैप्सूल पेन किलर्स, और अगर उससे 15-20 मिनट में रिस्पांस नहीं मिलता है और पेन बहुत ज्यादा सीवियर है तो इंजेक्टेबल पेन किलर्स. जी. ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट. सेकेंड स्टेप ऑफ कोर्स ये देखना है कि कोई गॉलब्लैडर स्टोन वहां से नीचे तो नहीं आया है, कोई जॉन्डिस तो नहीं डेवलप हो रहा, पेंक्रियास की क्या सिचुएशन है, पेंक्रियाटिक जो एंजाइम्स है एमाइलेज वगैरह उनकी क्या पोजीशन है, वो सब नेक्स्ट स्टेज में आता है. पर फर्स्ट स्टेज ऑफ कोर्स उसकी फर्स्ट स्टेप ये है उसके पेन को रिलीव किया जाए जितने जल्दी से जल्दी हो सके. डॉक्टर अग्रवाल, यहाँ एक प्रैक्टिकल चीज आपसे जानना चाहूंगा. रात को आपने पार्टी अटेंड करी, 11:30 बजे घर पहुंचे, 12:30 बजे जबरदस्त दर्द हुआ और आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गॉल स्टोन्स की वजह से है, हॉस्पिटल जाएं या अपने फैमिली फिजिशियन को उठाएं? गॉलब्लैडर स्टोन के अंदर तो इनवेरिएबली इज ऑलवेज बेटर टू गो टू अ हॉस्पिटल एंड गेट योरसेल्फ ऑब्जर्व्ड, क्योंकि अल्टीमेटली अगर पहले से डायग्नोस्ड है जी फिर तो आप जीपी को बुला के एक पेन किलर ले सकते हो. लेकिन फर्स्ट टाइम पेन हो रहा है, गॉलब्लैडर सस्पेक्टेड है जी, सो यू शुड गो टू द हॉस्पिटल, बिकॉज आपको साथ में दिखना पड़ेगा कि ये सिंपल कोलिक है कि साथ में कोलिसिस्टाइटिस की इन्फ्लेमेशन भी है, इन्फेक्शन भी है, पैंक्रियास के फंक्शंस भी करेंगे. ऐसे केस में तो हॉस्पिटल रात को जाना चाहिए. और अगर आपको लगता है कि पहले से ही गॉल स्टोन्स हैं, पहले अटैक हो चुका है, बिलियरी कोलिक के अटैक बार बार होते हैं जी, देन यू कैन कॉल. बट देन अगेन इट इज अ वार्निंग, तो अगर आपने डॉक्टर जीपी को बुलाया और उसने आपको इंजेक्शन दे के दर्द रोक दिया तो शायद दोबारा अस्पताल नहीं जाओगे जबकि दोबारा आपको ऑपरेशन की जरूरत है. तो इसलिए बेटर यही है कि हॉस्पिटल चले जाए, जिस समय पेन हो उसी समय हॉस्पिटल चले जाए तो वो ज्यादा अच्छा है. इससे पहले कि हम इलाज की बातचीत शुरू करें, डॉक्टर शर्मा, हमारे पास एक ईमेल है जी. इनकी ईमेल है रागिनी पाठक जी की. इनका सवाल एक मिनट पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, इनका जवाब दे देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं. रागिनी पाठक जी ने ये कहा है कि मुझे काफी समय से गॉल स्टोन्स हैं लेकिन सिम्टम्स नहीं हैं. इनका कहना है कि मैं अपनी स्किन डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए होम्योपैथ के पास गई और उन्होंने मेरी पुरानी रिपोर्ट्स देखते हुए ये पता लगाया कि मुझे गॉल स्टोन्स हैं. अब वो ये कहते हैं कि मेरे पास ऐसी मेडिसिन हैं जो इसको डिसॉल्व करके निकाल देंगे. ये जानना ये चाहते हैं कि क्या होम्योपैथी में ऐसी मेडिसिन हैं और क्या मुझे ये करने की जरूरत है. शी क्लियरली सेज के सिम्टम्स नहीं. बिल्कुल, आप बता दीजिए, कोई दवाई अभी तक नहीं बनी है जो कि गॉल ब्लैडर के स्टोन्स को डिसॉल्व कर पाए जी, ना आयुर्वेदिक ना होम्योपैथिक. एंड इट इज नॉट नीडेड. इफ शी हैज टू द ओनली ट्रीटमेंट इज सर्जरी. The only treatment is surgery. But as you said, कि उसको symptoms नहीं है अभी. जी. उस symptoms वाली बात तो दोबारा करेंगे, वो complication कभी भी हो सकते हैं. But ultimately, जी. No homeopathic, no ayurvedic treatment will be useful. So as and when she has to be, either she gets symptoms or the surgery is the only answer for the treatment. Okay. तो दो चीजें हैं कि पहली चीज तो अगर symptoms नहीं है तो लीव इट अनट्रीटेड, उससे छेड़खानी करने के कुछ दिन वेट कर सकते हैं, और अगर सिम्टम्स हैं तो ऐसा कोई तरीका नहीं है कि उसे डिसॉल्व किया जा सके. बिल्कुल डॉक्टर अग्रवाल, एक अगर हम एलोपैथी को लेके चलें तो इवन हमारे यहाँ पे मेडिकल रिजोल्यूशन ऑफ गॉलस्टोन्स नाम की चीज है जी, बट इट इज आउट ऑफ फैशन. मतलब हमारे यहाँ भी कहते हैं अगर छोटे स्टोन्स हो, लेस देन 4 हो, छोटा साइज हो, एक्सरे में दिखाई ना दे रहे हो, गॉल ब्लैडर आपका कॉन्ट्रेक्टाइल हो और कोलेस्ट्रॉल प्रेडोमिनेटली कोलेस्ट्रॉल स्टोन हो तो आप उसको एक दवाइयां हैं बाइल सॉल्ट जो यूडीसीए कहलाती है जी. उस दवाई को अगर आप 6 महीने तक दें तो शायद वो डिसॉल्व हो जाए और जिस दिन बंद कर देंगे तो दोबारा हो जाएगा. सो दैट मेडिसिन हैज गॉन आउट ऑफ फैशन. इसका मतलब है कि एलोपैथी में देयर आर सम ड्रग्स फॉर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ ए स्टोन, इट कैन हेल्प इन डिसॉल्यूशन बट दैट्स नॉट रिकमेंडेड. सेकंड इज सम स्टोन्स में पास ऑफ, अगर कोई
गॉल ब्लैडर में जैसे डॉक्टर चौबे ने बताया कि सीबीडी में चला गया, कॉमन बाइल डक्ट में चला गया, और कई बार वो इट कैन पास ऑफ बाय द इवन इन द स्टूल. सो अगर आपका कोई स्टोन नेचुरल स्पॉन्टेनियस पास ऑफ हो गया तो एक दिन पहले मान लीजिए जो भी कि उसने किया, झाड़ फूस करी या किसी ने हाथ लगाया या किसी धर्मात्मा ने उसको आशीर्वाद दिया कि तू ठीक हो जाएगा, तो क्रेडिट गोज देयर. ओके, सो देयर इज अ स्पॉन्टेनियस पैसेज ऑफ गॉलस्टोन्स आल्सो. सम पीपल कम्स कि वो फलाना ऋषिकेश में एक आदमी है, वो हाथ लगाता है गॉलब्लैडर के ऊपर में और स्टोन निकाल देता है. आप अल्ट्रासाउंड जाके करा लो, वो स्टोन गायब हो जाता है. सो वो क्या होता है कि हजार में लाखों में एक आध आदमी का किसी का निकल जाता है. सो द क्रेडिट गोज देयर. नहीं, बट एक बात मैं कहूंगा कि गॉलब्लैडर में स्टोन कभी सिंगल नहीं होते, दे आर ऑलवेज मल्टीपल. Okay. Even so if ultrasound shows one. Ultrasound, अगर एक भी कहेगा तो डॉक्टर चौबे जब ऑपरेशन करेंगे तो मल्टीपल आके दिखाएंगे. ओके, जहां हम अल्ट्रासाउंड में कहेंगे नहीं जी एक बड़ा स्टोन है, नहीं ऐसा नहीं है, गॉल बेडर में स्टोन्स तो मल्टीपल ही होते हैं जी. अब इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज है मुझे समझ में आई वो दो. पहली बात ये कि गॉल ब्लैडर के स्टोन्स ऐसा हो सकता है कि कभी कभी अपने आप वहां से डिसलॉज होके स्टूल में पास हो जाएं. तो ऐसे में छोटे वाले किसी भी मेडिसिन को या किसी भी पैथी को उसका क्रेडिट नहीं जाना चाहिए. इट कैन बी अ नेचुरल प्रोसेस. और दूसरा, हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि इन्हें डिसॉल्व किया जा सके. अगर गॉल ब्लैडर स्टोन्स है तो सर्जरी करनी ही जरूरी है. असली पैथी का फायदा तब चलेगा जब स्टोन इज मोर देन 1 सेंटीमीटर. हमें मालूम है कि सीबीडी का साइज जो है वो 5-6 मिलीमीटर होता है जी. और स्टोन को निकलने के लिए इट हैज टू बी बिग. इफ ए स्टोन इज बिगर देन दैट इट कैन नॉट पास ऑफ. सो वो स्टोन अगर कोई पैथी डिसॉल्व करती है तब उसे ओनली द क्रेडिट कैन गो. ऐसा कोई स्टोन आज के डेट में डिसॉल्व होम्योपैथी एलोपैथी नहीं कर सकती. छोटे स्टोन्स एलोपैथी में भी ट्रीटमेंट है. हो सकता है होम्योपैथी आयुर्वेद के अंदर में हो. जब एलोपैथी वाले अपनी दवाइयों के लिए हम अबंडन कर रहे हैं, व्हाई इवन ट्राई अदर. चलिए इस बातचीत पर वापस लौटेंगे. इस समय हमारे पास एक टेलीफोन कॉल है दिल्ली से, आइए इनका सवाल सुनते हैं. हेलो. हेलो गीता जी, नमस्कार. नमस्कार जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ जी. एक्चुअल में मेरा एक बेटा है 3 साल का. तो जब वो 10 महीने का था तब हमने उसका अल्ट्रासाउंड करवाया था जी. तो उसमें हमें उसके गॉलब्लैडर में स्टोन निकला था उसके. तो वो स्टोन सिंगल स्टोन था और 6.5-7 mm का स्टोन था. तो उसके बाद हमने इनका एम्स में इलाज कराया जो कि 1 साल तक चला था जी. तो 1 साल तक उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी थी लेकिन कोई मतलब रीजन नहीं मतलब पता चला कि क्यों बना स्टोन. फिर हमने वहाँ से वो छोड़ दिया इलाज. फिर हमने उसका होम्योपैथिक इलाज कराया जी. तो होम्योपैथिक इलाज में भी इसका 1 साल तक चला लेकिन फिर भी कोई मतलब अल्ट्रासाउंड में देखा तो मतलब वैसा का वैसा ही था स्टोन. तो अब हम ये पूछना चाहते कि हम क्या करें मतलब क्या उसका हो सकता है इलाज. ठीक है, अभी टेलीफोन लाइन पे रहिएगा. आपसे एक दो चीजें और पूछना चाहेंगे डॉक्टर चौबे. क्या इनसे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए? नहीं, अगर एक तो इस यंग एज ग्रुप में गॉलब्लैडर स्टोन्स का इंसिडेंस डेफिनेटली कम है. इनको हम फोन बंद करने को कह सकते हैं. गीता जी आप टेलीफोन बंद कर सकते हैं. आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं डॉक्टर चौबे जी. यंग एज में जब हम लोग गॉलब्लैडर स्टोन्स को देखते हैं तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है कि इसका क्या कॉज है जी. क्या कुछ ऐसे हिमोलिटिक डिसऑर्डर्स हैं जिसमें कि आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो रहे हैं. हिमोलिटिक डिसऑर्डर्स माने ब्लड में ब्लड डिस्ट्रॉय हो जाता है जी. और उसके कारण गॉलब्लैडर स्टोन्स बन रहे हैं या कोई और मेडिकल कॉज है जी. अगर वो मेडिकल कॉज है तो उस मेडिकल कॉज को ट्रीट करना बहुत जरूरी है और उसको समझना जरूरी है. एक छोटी सी चीज आपसे जान सकता हूँ. आपने कहा कोई और मेडिकल कॉज, क्या और मेडिकल कॉज हो सकते हैं जिससे गॉलब्लैडर में स्टोन? बहुत सारी चीजें होती है, जैसे स्फेरोसाइटोसिस होती है. कई थैलेसीमिक पेशेंट्स होते हैं जिनमें ये होता है जी. कुछ सिकल सेल एनीमियाज होते हैं उसमें होता है. यानी नॉर्मली ब्लड से रिलेटेड. ब्लड से रिलेटेड, लेकिन ब्लड में ऐसी एबनॉर्मैलिटीज हो सकती हैं जिसकी वजह से छोटे बच्चों में गॉलब्लैडर स्टोन. बट जो हम लोगों का एक्सपीरियंस है और जो टेक्स्ट बुक टीचिंग है कि ऐसे गॉल ब्लैडर को निकालना जरूरी होता है क्योंकि ये डिजीजेस का कोई परमानेंट क्योर नहीं होता जी. और वो हिमोलिसिस चलती रहती है. अगर सिकल सेल एनीमिया है तो उसके लिए कुछ हम मदद जरूर कर सकते हैं बट वो डिजीज को क्योर नहीं कर सकते. स्फेरोसाइटोसिस को क्योर नहीं कर सकते जी. तो इस तरह से गॉल ब्लैडर में स्टोन्स तो बनते रहेंगे तो उसको गॉल ब्लैडर को निकालना जरूरी है क्योंकि एक डिजीज तो हमारे पास में ऑलरेडी है जी. और दूसरी डिजीज उसमें ऐड हो गई है वो गॉलब्लैडर स्टोन की जो कि क्योरेबल है. अगर हम उसको नहीं क्योर करते हैं तो गॉलब्लैडर स्टोन से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशन है जैसे पैंकेटाइटिस है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, वो भी हो सकता है. सो वी आर कॉम्प्लिकेटिंग ए डिजीज. अच्छा, अब अगर हम एक चीज इसमें और देखें कि इनके केस में, गीता जी के केस में कहना है कि ये पिन पॉइंट नहीं कर सके कि क्यों है, क्या ऐसे में भी गॉलब्लैडर रिमूव, ऐसे में भी क्या गॉलब्लैडर रिमूव कर देना बहुत जरूरी होता है? जो स्टोन है, स्टोन को पेशेंट्स अपने पॉइंट ऑफ व्यू से डिजीज मानते हैं बट एज ए डॉक्टर, एज ए सर्जन, एज ए फिजिशियन, हमारे लिए डिजीज स्टोन नहीं होती. एक्चुअली डिजीज होती है गॉलब्लैडर की वॉल में.
जो कि इम्बैलेंस प्रोड्यूस करती है जी, और उस इम्बैलेंस के कारण स्टोन बनते हैं। तो स्टोन्स बेसिकली आर द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ एन इम्बैलेंस इन द वॉल ऑफ द गॉलब्लैडर एंड द मैकेनिज्म ऑफ द गॉलब्लैडर एंड द फंक्शन ऑफ द गॉलब्लैडर। सो वी हैव, दैट इज द रीजन व्हाई गॉलब्लैडर को हमेशा निकाला जाता है, सिर्फ स्टोन्स को नहीं निकाला जाता। अब इससे जुड़ी हुई एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, मान लीजिए यंगर एज ग्रुप में जैसे गीता जी के बेटे के साथ हुआ, किसी बच्चे की कोई भी स्क्रीनिंग हुई, अल्ट्रासाउंड हुआ और आपको दिखा गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं, क्या इमीडिएटली उसका पूरा ब्लड प्रोफाइल चेक करने की जरूरत है? शुड वी इमीडिएटली चेक फॉर एबनॉर्मलिटीज इन द ब्लड प्रोफाइल? जनरली उसको इमीडिएटली वो करके वी हैव टू एस्टैब्लिश डायग्नोसिस कि क्या कुछ नोन कॉजेस जो गॉल ब्लैडर स्टोन्स के हैं वो बीमारी है, जैसा मैंने अभी पहले बताया। अगर वो बीमारी है तो नेचुरली उसको पीडियाटिशियंस या हेमेटोलॉजिस्ट उसको मैनेज करेंगे जी, so that disease does not go unnoticed. But of course, for the gallbladder stone, we have to remove the gallbladder. Okay, चलिए। ताकि the child does not enter into other complications of gallbladder stone. Due to gallbladder stone. चलिए, इस बातचीत को आगे जारी रखेंगे, अपने दर्शकों का एक और सवाल लेते हैं। अब हम अपना दर्शकों का अगला सवाल लेते हैं, कौन पूछना चाहेगा? आप लेंगे? मेरा नाम समर शर्मा है और मेरा प्रश्न ये है कि जो लोग गॉल ब्लैडर डिजीज से या स्टोन की प्रॉब्लम से पीड़ित हैं उन्हें किस तरह का लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए? डॉक्टर अग्रवाल, सिंपल लाइफस्टाइल है, अगेन देयर इज नो डिफरेंस लाइफस्टाइल, वी हैव बीन टॉकिंग फॉर द लास्ट 2 इयर्स नाउ इन दिस शो जी। जिस लाइफस्टाइल से आप हार्ट की बीमारी से बचोगे या कैंसर की बीमारी से बचोगे तो गॉल ब्लैडर की बीमारी से भी बचोगे। डॉक्टर अग्रवाल, वजन कम करना, वजन को मेंटेन रखना, बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक हैं जिन्होंने शायद हमारा प्रोग्राम आज देखना शुरू किया, 5 स्टेप्स बताएं। फैट कम खाना, फैट कम खाना है, फैट जो है एनिमल फैट है उसे कम खाना है, एनिमल रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जो चीज आर्टिफिशियली सफेद है, मैदा चावल चीनी ये डाइट के अंदर, मैदा चावल चीनी डबल रोटी ये डाइट के अंदर कम खानी, वजन अपना मेंटेन रखना, आइडियल वजन 23 into height in meters, इससे कम अपना वजन रखना जी। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करना, अगर आप इन चीजों, डायबिटीज अगर है तो आपको कंट्रोल रखना, अल्कोहल स्मोकिंग का डायरेक्टली इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन वो नहीं करना, उससे बाकी चीजें भी बचेंगी जी। और अल्कोहल स्मोकिंग के अंदर में अगर आपको कभी जीबी की सर्जरी करानी पड़ी तो कॉम्प्लिकेशन रेट कम हो जाएगा। और खाने के अंदर प्रोलॉन्ग फास्टिंग नहीं चाहिए, रैपिड वेट लॉस प्रोग्राम्स के अंदर में नहीं इंडल्ज होना कि आप गए किसी जगह पे वो 5,000-10,000 रुपए दिए कि मुझे रैपिड वेट लॉस करना है, दैट इज हार्मफुल टू द बॉडी एंड गॉल ब्लैडर इज वन थिंग व्हिच कैन कम अप एज अ डिजीज। ओके डॉक्टर शर्मा, एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, अभी तक ऐसा पॉसिबल है कि जब हमने वो 5 F बताया और उसमें कितना बड़ा F फीमेल 50% पॉपुलेशन हो गई, तो मेल 50% पॉपुलेशन ने इसके बारे में बॉदर करना बंद कर दिया, ये बताएं कि ये जो FFF वाला फैक्टर है ये कितने परसेंट पेशेंट होते हैं और मेल्स में कितने परसेंट बचते हैं जिनको बॉदर करना चाहिए? मेल्स में भी अनकॉमन नहीं है गॉल स्टोन जी, बिकॉज आफ्टर लाइफ स्टाइल तो वो ये खाना वही खाया जाता है जी, तो इसलिए भी मेल्स में भी पहले कहते थे कि मेल्स में गॉल स्टोन्स नहीं है, बट मेल्स में भी उतने ही कॉमन है जितने की फीमेल्स। तो इफ यू टेक 4:1 और 4:2 लगता है कि अगर 4 फीमेल्स है तो 2 मेल में भी होंगे जी, तो इसलिए गॉल स्टोन तो मेल में भी ज्यादा ही है। अब मेल उससे कॉम्प्लिकेशन, सो व्हाट वी हैव टू डू इट, व्हाट वी हैव टू डू इट, वी हैव टू अगेन एज डॉक्टर अग्रवाल सेड, वो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन तो करना ही पड़ेगा जी, और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन हो जाता है जिसमें कि एक्सरसाइज हो गया एंड एनिमल फैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। लोग जो घी खाते हैं ना, प्योर घी, दैट शुड बी अवॉइडेड इन ऑल फॉर्म्स। ओके डॉक्टर चौबे, हमारी ब्रेक का मक्खन तेल जी आधा किलो से ज्यादा पर पर्सन इन ए फैमिली पर मंथ शुड नॉट बी देयर। घर की टोटल कंजम्पशन ऐसी होनी चाहिए कि जितने घर में मेंबर्स हैं मल्टीप्लाइड बाय आधा किलो, महीने में उतना ही तेल इस्तेमाल। आज के डेट में नॉर्थ इंडिया में 1 to 1.5 किलो पर पर्सन घी कंजम्पशन हो रहा है, घी तेल मक्खन तीनों का मिला के जो कंजम्पशन है इस वक्त में 1 to 1.5 किलो है। ओके, तो उसको रिड्यूस करते हैं तो तमाम चीजों पर उसका पॉजिटिव इंपैक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, रिस्क जीरो हो जाएगा जी, रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। हमारी ब्रेक का वक्त बिल्कुल तैयार है, ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे, आपने कहा कि सिर्फ सर्जरी ही एक अल्टरनेटिव है तो सर्जरी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे ब्रेक के बाद, लेकिन ब्रेक से पहले सिर्फ एक छोटी सी चीज जानना चाहता हूं, किस व्यक्ति को ये सोचने की जरूरत है कि मुझे गॉल ब्लैडर की सर्जरी करा लेनी चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि जिस पेशेंट को गॉल ब्लैडर स्टोन डिटेक्ट हो गया है, अगर उसको सिम्टम्स हैं तो श्योरली इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसको ऑपरेशन कराना चाहिए। जैसे कि हम लोग पहले कह चुके हैं कि उसको चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस आर वेरी वेरी हाई जी, तो उसको तो ऑपरेशन कराना चाहिए।
ज्यादातर ये देखा गया है कि पेशेंट जिनको सिम्टम्स होते भी हैं वो सिम्टम्स को गॉल ब्लैडर से एट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, वो कहते हैं कि जी गैस के कारण दर्द हो गया था, इसलिए वो उसका तो दर्द नहीं था, गैस के कारण था जी। तो ये एक वो बचना चाहते हैं क्योंकि उनको मालूम है जैसे आपको बोला जाए कि सिम्टम्स गॉल ब्लैडर से रिलेटेड है तो ऑपरेशन इज द नेक्स्ट ऑफर, तो इसलिए एक तो उसको डिनाई नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट डिनाई दैट यू हैड ए पेन। सेकेंड थिंग, जिनको गॉल ब्लैडर में स्टोन है जो इंसिडेंटली डिटेक्ट हुआ है और उसके बारे में मेरे ख्याल से मेडिकल इवैल्यूएशन बाय एन एक्सपर्ट, नॉट बाय पर्संस जिनको की गॉल ब्लैडर के बारे में उतना नॉलेज नहीं है। सम ऑफ अस वी आर वर्किंग इन वन डायरेक्शन एंड वी हैव लॉट ऑफ स्टडीज विच वी आर कंडक्टिंग, तो इसलिए उनको एक एक्सपर्ट से एडवाइस लेना चाहिए, मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, ए सीनियर फिजिशियन हु नोज अबाउट दिस, सर्जन हु नोज अबाउट द गॉलब्लैडर स्टोन्स, बिकॉज दीज आर द पर्संस हु आर एक्चुअली डीलिंग विद गॉलब्लैडर डिजीजेस। ओके, थंब रूल ये हुआ कि कंसल्टेड अगर गॉलस्टोन्स हैं और सिम्टम्स हैं देन 100% यू आर अ कैंडिडेट फॉर सर्जरी, अगर सिम्टम्स नहीं भी हैं टेक एन ओपिनियन फ्रॉम एन इन्फॉर्म्ड स्पेशलिस्ट, यस, हु कैन रियली गाइड यू। एब्सोल्युटली, इस बातचीत को आगे जारी रखेंगे, फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक से पहले आपको एक बार फिर याद दिला दें, इस समय हम बात कर रहे हैं गॉल ब्लैडर डिजीजेस के बारे में और खासतौर से अभी तक जो बात पता चली कि सबसे कॉमन गॉल ब्लैडर डिजीज है गॉलस्टोन्स, जिससे बाकी सारी डिजीजेस हो सकती हैं। अगर आपके पास इससे जुड़े हुए कोई भी सवाल है तो आप टेलीफोन करके हमारे स्टूडियो में मौजूद हमारे पैनलिस्ट से पूछ सकते हैं। हमारा ऑल इंडिया टोल फ्री टेलीफोन नंबर है 1600119962 और ईमेल आईडी है healthyindia@dd.nic.in। आपके सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर के अग्रवाल, डॉक्टर एमपी शर्मा और डॉक्टर प्रदीप चौबे। आपके सवालों का हम इंतजार कर रहे हैं, आपसे फिर मुलाकात होती है एक छोटे से ब्रेक के फौरन। पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर डाइजेस्टिव सिस्टम का एक अंग है, ये उस लवण को एकत्रित करके निकालता है जो भोजन के अधिशोषण को रोकता है। पित्ताशय में बनने वाले पत्थर को गॉलस्टोन कहते हैं। मुख्य रूप से दो तरह के गॉलस्टोन्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल गॉलस्टोन और पिगमेंटेड स्टोन। अत्यधिक कोलेस्ट्रॉल के उपभोग को एक शंकित तथ्य के रूप में जाना जाता है। गर्भनिरोधी दवाएं, तेजी से वजन घटना, मधुमेह का पारिवारिक इतिहास और आंख की बीमारी शंका के चिन्ह हैं। महिलाओं में बढ़ती उम्र के साथ कोलेस्ट्रॉल गॉलस्टोन की शंका बढ़ जाती है। 40 वर्ष की मोटी महिलाएं ये एक शंकित तथ्य है। गॉलस्टोन के पारिवारिक इतिहास के व्यक्तियों में ये बीमारी ज्यादा होने की संभावना होती है। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम हेल्थी इंडिया। हमारा टोल फ्री नंबर है 1600119662 और हमारा ईमेल एड्रेस है healthyindia@dd.nic.in। हेल्दी इंडिया में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं गॉल ब्लैडर डिजीजेस के बारे में, गॉल स्टोन्स के बारे में और आपके सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर के अग्रवाल, डॉक्टर एमपी शर्मा और डॉक्टर प्रदीप चौबे। सवालों का सिलसिला चल रहा था और अभी तक हमें कुछ सीधी सीधी बातें समझ में आई। सबसे पहली बात समझ में आई कि नॉर्थ इंडिया में गॉल स्टोन्स की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। दूसरी बात इन्होंने बताया 5F का फॉर्मूला, यानी जो हाई रिस्क ग्रुप है उसमें फीमेल, 40, फर्टाइल, फैट और पांचवा एफ क्या बताया, फेयर। ये पांचवा एफ जो इन्होंने जोड़ा था, अगर आपका रंग गोरा है तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है। दूसरी बात, अगर किसी भी टेस्ट के दौरान गॉलस्टोन्स डिटेक्ट होते हैं, अगर आपको कॉम्प्लिकेशंस हैं तो आपके लिए एक ही तरीका है सर्जरी, किसी भी प्रति में इनको डिसॉल्व करके निकालने का कोई तरीका नहीं है। और उसके बाद भी आप अगर सिम्टम्स नहीं है तो ओपिनियन लें किसी इन्फॉर्म्ड स्पेशलिस्ट से और ये डिसाइड करें कि गॉल ब्लैडर रिमूव किया जाना चाहिए या नहीं। गॉल ब्लैडर रिमूवल तक हम पहुंच गए डॉक्टर चौबे। एक सिंपल सी बात समझ में आई कि अगर गॉलस्टोन्स हैं तो गॉल ब्लैडर रिमूव किया जाएगा, इज दैट राइट? बिल्कुल। क्या सर्जरी होती है गॉल ब्लैडर रिमूव करने के लिए? रिमूव करने के लिए दो तरीके हैं, या तो हम कन्वेंशनल सर्जरी को अडॉप्ट करें जिसमें कि इंसिजन दे के गॉल ब्लैडर रिमूव किया जाता है, या हम जो टेक्निक है लैप्रोस्कोपी की जी, जिसको टेलीस्कोप और दूरबीन के जरिए किया जाता है, जिसमें छोटे छोटे एब्डोमेन में होल करके कैमरा इंस्ट्रूमेंट्स टेलीस्कोप डाल के गॉल ब्लैडर रिमूव किया जाता है जी। दोनों तरीके हैं, दोनों तरीकों से गॉल ब्लैडर को निकाला जा सकता है। एम हमारा दोनों सर्जरी में एक ही होता है कि गॉल ब्लैडर को स्टोन समेत बाहर निकालना।
गॉल ब्लैडर को स्टोन्स समेत रिमूव कर दिया जाए। इस बातचीत को आगे जारी रखेंगे। संगीता जी का टेलीफोन है दिल्ली से, आइए इनका सवाल सुनते हैं। हेलो हेलो संगीता जी, नमस्कार। नमस्ते जी। अच्छा मुझे पूछना था कि मेरा गॉल ब्लैडर रिमूव हो चुका है जी, और मुझे अब ये जानना है कि कहीं आप किडनी में स्टोन तो नहीं होगा इससे मुझे, इसकी वजह से? हाँ जी हाँ। संगीता जी उम्र कितनी है आपकी? मेरी अभी तो 50 है। और गॉल ब्लैडर रिमूव मेरा 5 साल हो गए होंगे। 5 साल। अच्छा डॉक्टर आपका फॉर्मूला चेक करने के लिए आपसे पूछते हैं वजन कितना है आपका? मेरा 50 है। 50 वेट है आपका? वेट तो ज्यादा नहीं। रंग गोरा है आपका? जी हाँ रंग गोरा है। चलिए ठीक है, टेलीफोन करने के लिए शुक्रिया। डॉक्टर चौबे बड़ा सीधा सा जानना चाहती है कि क्या गॉल ब्लैडर रिमूवल की वजह से किडनी स्टोन होने की पॉसिबिलिटी? जी नहीं, दोनों का कोई कोरिलेशन नहीं है। गॉल ब्लैडर जैसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है जी, किडनी स्टोन जो होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक पार्ट होता है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है जी। हालांकि ये जरूर है कि नॉर्थ बेल्ट में गॉल ब्लैडर स्टोन भी कॉमन है और किडनी स्टोन भी कॉमन है, तो कई पेशेंट्स में दोनों एक साथ में देखे जा सकते हैं जी। लेकिन दोनों का दोनों का रिलेशन में कोई रिलेशन। अच्छा इसके अलावा पिछले सप्ताह में हमारे पास जो ईमेल्स और जो खत आए उसमें कुछ फीमेल पेशेंट्स जिनके गॉल ब्लैडर रिमूवल हुए उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि क्या इस सर्जरी के बाद पीरियड्स में एबनॉर्मेलिटी आने की कोई पॉसिबिलिटी होगी? जी नहीं, देयर इज नो रिलेशन। तो नॉर्मली बिकॉज ये एज ग्रुप ऐसा है कि जहां पे वो डिस्टरबेंस शुरू होती है, तो आप जैसा कि आपने अभी डिस्कस किया कि 40s में जी 40s में जनरली गॉल ब्लैडर स्टोन काफी कॉमनली पाए जाते हैं जी, और वही स्टेज मेनोपॉज की और वही हार्मोनल विड्रॉल की वही एज ग्रुप फीमेल्स में होता है, तो मे बी दैट इज अ रिलेशन, कोरिलेशन। जनरली क्या होता है कि ऑपरेशन अगर होता है किसी पेशेंट का तो बाकी काफी चीजें जो होती हैं उनकी लाइफ में वो ऑपरेशन से कोरिलेट करना चाहते हैं, जो कि जस्ट मैटर ऑफ कोइंसिडेंस। बिकॉज अगर किसी का 45 इयर्स की एज में अगर गॉल ब्लैडर स्टोन की सर्जरी हुई है, दैट इज अ कॉमन एज वेयर देयर मे बी प्रॉब्लम्स विद मेंस्ट्रुएशंस, प्रॉब्लम्स विद पीरियड्स, प्रॉब्लम्स विद जेनिटो यूरिनरी सिम्टम्स, सो उस सिचुएशन को उससे कोरिलेट करना ठीक नहीं है। दोनों अलग अलग चीज है, दोनों में कोई आपस में ताल। एक बात मैं आपको बता, मैं भी बता रहा हूँ, जो जी ने कहा मेरे पास जो पेशेंट्स आती है स्पेशली दी फीमेल्स जिनका ऑपरेशन हुआ है गॉल ब्लैडर का, पहले भी मोटी थी, ये नहीं कि बाद फिर उनका वजन बढ़ जाता है, खूब मोटी होकर आती है। जब मैं उनको पूछता हूँ साहब मैं बिल्कुल ठीक थी जब ऑपरेशन हुआ उसके बाद मेरा वजन बढ़ गया, बिकॉज उनको पता चला कि वो ऑपरेशन हो गया, डॉक्टर चौबे ने कहा हमने तो गॉल ब्लैडर निकाल दिया, अब खूब खाओ, तो खूब जाके आराम से खूब घी खाती है, खूब खाना खाती है, फिर वजन बढ़ जाता है। एक अपना लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करते, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि गॉल ब्लैडर की ऑपरेशन के बाद वेट नहीं बढ़ता है। लोगों को धारणा है कि साहब मेरा ऑपरेशन कराया तो मेरा वेट बढ़ गया जी। वो दूसरी धारणा है हिस्टेक्टमी कराई इससे वेट बढ़ गया, तो ये जो है ये धारणा हमारी गलत है लोगों में कि गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन किया तो वेट बढ़ जाएगा। वेट इसलिए बढ़ता है खाना ज्यादा खाते हैं। डॉक्टर अग्रवाल आप भी इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं? दो छोटी छोटी चीजें हैं। तो आयुर्वेद ये कहता है कि पित्त पर्सनैलिटी वाले लोग जिनका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग है उनको गॉल स्टोन ज्यादा होते हैं, उन्हीं को रीनल स्टोन ज्यादा होते हैं। तो आयुर्वेद कहता है कि सेम प्रकृति वाले लोगों को या तो गॉल स्टोन हो सकता है या किडनी स्टोन हो सकता है, एंड दैट्स इज नॉट बैड। पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति को कैसे पहचान सकते हैं? देखिए तीन प्रकार के लोग हैं, वात पित्त कफ, वात इज मूवमेंट, पित्त इज मेटाबॉलिज्म, कफ इज स्ट्रक्चर। वात इज हिरन, पित्त इज शेर, एंड कफ इज एलिफेंट पर्सनैलिटी। जो आदमी पतला दुबला है और खूब ज्यादा गैस बनती है पेट में, दैट्स ए वात पर्सनैलिटी। जो मीडियम बिल्ट है, खूब सारी एसिडिटी होती है उसको, दैट्स ए पित्त पर्सनैलिटी। और कफ वाले लोग जो होते हैं वो डायबिटिक, मोटे शक्ल, मोटे मतलब मोटे नहीं है, दे हैवी बिल्ट, सुस्त है, सुबह उठने का मन नहीं कर रहा, दैट्स ए कफ पर्सनैलिटी। उनको डायबिटीज हाइपोथायरायडिज्म ज्यादा होती है। तो आयुर्वेद के अनुसार में अगर आपकी पित्त पर्सनैलिटी है तो आपको गॉल ब्लैडर स्टोन्स भी ज्यादा होते हैं और आपको किडनी स्टोन्स भी ज्यादा होते हैं। ओके। दूसरी चीज जो आम आदमी में कंफ्यूजन होता है जी, वो है ब्लैडर स्टोन से। लोग कहते हैं मेरे ब्लैडर में स्टोन है, वो पूरा गॉल ब्लैडर नहीं बोलते जी। तो ब्लैडर एक हमारा यूरिनरी ब्लैडर भी होता है, तो ब्लैडर इज कॉमन, गॉल ब्लैडर एंड यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर में भी स्टोन हो सकते हैं। तो कई बार पीपल कंफ्यूज कि कहां पे स्टोन है जी। सम पीपल कम से मेरे ब्लैडर में स्टोन है, वो बोल उनके मन में गॉल ब्लैडर होता है यूरिनरी ब्लैडर में। ओके। सो दैट पब्लिक शुड बी वेरी क्लियर कि ब्लैडर दो टाइप के हैं, गॉल ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है, दे शुड बी वेरी स्पेसिफिक व्हाट दे आर, व्हाट दे आर स्टोन। ओके। डॉक्टर साहब आपने जिक्र किया कि सर्जरी ही एक अल्टरनेटिव है, और दो तरह की सर्जरी, एक कन्वेंशनल सर्जरी करी जा सकती है और दूसरा आपने कहा दूरबीन से लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जिसे आप कहते हैं, ये बताएं कि दोनों के क्या अपने अपने कोई फायदे हैं? हाउ डू वी कंपेयर द टू सर्जरीज? आज के समय को देखते हुए करीब अब ये 15 साल हो गए इस ऑपरेशन को, लेप्रोस्कोपी को 15 साल हो चुके हैं जी। तो ये एक तरह से देखा जाए तो नई सर्जरी नहीं है, अब मिलियंस एंड मिलियंस
सारे वर्ल्ड में इस पद्धति से ऑपरेशन हो चुके हैं. सो आज की सिचुएशंस को देखते हुए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इज द करेक्ट आंसर, स्टेट ऑफ आर्ट आंसर. एंड इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि एक तो ये जल्दी रिकवर कर जाता है पेशेंट, हॉस्पिटल में स्टे कम रहता है जी. और कॉस्मेटिकली बहुत जबरदस्त एडवांटेज है कि लंबे इंसिजन के बदले में छोटे छोटे पंक्चर्स करके स्मॉल इंसिजन होते हैं. और ऑफ कोर्स अगर पेशेंट अपनी फैमिली में जल्दी वापस चले जाता है, अपने वर्क को जल्दी रिज्यूम कर लेता है, एक सोसाइटी के लिए भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जी. हॉस्पिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक उससे भी ज़्यादा एडवांटेज है कि एक मरीज 5 रोज या 6 रोज या 7 रोज हॉस्पिटल में रहे, उसके बदले में सुबह जाके शाम के अपने घर वापस जा सकता है. बेड ऑक्यूपेंसी हॉस्पिटल बेड ऑक्यूपेंसी बढ़ जाती है, तो इसका मतलब यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा ऑपरेशन कर सकते हैं और बेड का यूटिलाइजेशन कई गुना बढ़ा सकते हैं. स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जहाँ पे अगर बेड ऑक्यूपेंसी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है जी, लॉन्ग वेटिंग की होती है, तो हम वी कैन डू अ क्विक टर्नओवर. डॉक्टर साहब इस बातचीत को आगे जारी रखेंगे. इस समय नवीन जी का टेलीफोन है दिल्ली से, इनका सवाल सुनते हैं और फिर इस डिस्कशन को आगे करेंगे. हेलो हेलो नवीन जी, नमस्कार. नमस्कार जी. ये डॉक्टर साहब मैं जानना चाह रहा था कि जो गॉल ब्लैडर में जो स्टोन होता है इसका कोई ब्लड ग्रुप से भी रिलेशन होता है कि किसी खास पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप में ये होगा या सबको हो सकता है ये? ठीक है नवीन जी, टेलीफोन करने के लिए शुक्रिया. डॉक्टर शर्मा, क्या ब्लड ग्रुप से कोई रिलेशनशिप नहीं? ब्लड ग्रुप से कोई रिलेशनशिप नहीं है. अपने दर्शकों का एक और सवाल लेंगे. इनको पूछना है सवाल, कौन पूछना चाहेगा? जिस रफ्तार से ये गोल्ड ब्लैडर में स्टोन की चर्चा चली उसमें आम आदमी से पीड़ित है और डॉक्टर साहब ने कहा कि ओनली ट्रीटमेंट इज सर्जरी, तो क्या सर्वसाधारण आदमी जिसको ऐसा है गोल्ड ब्लैडर है उसको किसी ऐसे हॉस्पिटल में जाए जहाँ पर वो देख रेख भी ठीक हो और अच्छी तरह से ऑपरेशन भी हो जाए और वो रिमूव होकर अच्छी जीवन व्यतीत करे? डॉक्टर साहब इनके सवाल को मैं थोड़ा इंटरप्रेट करना चाहूंगा और अभी जब आप जिक्र कर रहे थे तो मैं बिल्कुल यही चीज पूछना चाहता था. आपने कहा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के नजरिए से भी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी बेटर है क्योंकि बेड्स का यूटिलाइजेशन ज्यादा अच्छा हो सकता है. इनका भी कंसर्न यही है कि जब आपको सर्जरी करानी है, क्या तमाम किस्म के हॉस्पिटल्स में गॉल ब्लैडर रिमूवल के लिए सर्जरी और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का प्रोविजन अवेलेबल है? ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हर हॉस्पिटल हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है जी. और ये कहना जरूरी है और ये हम लोगों ने देखा है कि इंडिया में ही नहीं विदेशों में भी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी प्राइवेट सेक्टर में काफी पॉपुलर है जी. और ज्यादातर सर्जन जो कि गॉलब्लैडर सर्जरी कर रहे हैं या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कर रहे हैं जी, वो प्राइवेट सेक्टर में ही है. उसका कारण भी बहुत साफ है कि जब ये सर्जरी आई नेचुरली इक्विपमेंट्स वगैरह काफी महंगे थे और गवर्नमेंट उन चीजों पे उस वक्त उतना ध्यान नहीं दे पाई जितना देना चाहिए था, मे बी बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल रीजंस जी. और क्योंकि वो उस कारण से जो सर्जन प्राइवेट में थे नेचुरली उन्होंने काफी हद तक इसमें एक्सपर्टीज बहुत अर्ली स्टेजेस में पायनियरिंग वर्क करके एक्वायर कर ली. सो जो भी मरीज किसी भी हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराना चाहता है उसको इस बात का ध्यान जरूर देना चाहिए कि क्या वो हॉस्पिटल और क्या वहाँ के जो डॉक्टर्स ये आर दे वेल इक्विप्ड, बिकॉज लैप्रोस्कोपिक सर्जरी इज ए इक्विपमेंट रिलेटेड एंड ए सर्जन रिलेटेड सर्जरी. बेस्ट रिजल्ट्स ऑफ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी उस इंस्टीट्यूशन में मिलेंगे जहाँ पे बहुत अच्छे किस्म के इक्विपमेंट्स हैं और अच्छे किस्म के डॉक्टर्स एंड सर्जन्स ऑपरेट कर रहे हैं. ये दोनों का कॉम्बिनेशन अगर है तो ये सर्जरी बहुत सेफ, बहुत कम समय में, बहुत आसानी से और बिगर किसी प्रॉब्लम के हो जाती है. डॉक्टर शर्मा, यहाँ आपसे एक क्लैरिफिकेशन चाहूंगा. इनका जो कंसर्न था वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, आपको गॉलस्टोन्स हैं, सर्जरी करानी है, ये तो मालूम है. डॉक्टर चौबे ने कैटेगरिकली ये कहा कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कन्वेंशनल सर्जरी से बेटर है जी. आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं वहां आपको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी नहीं अवेलेबल है, ऐसे में मरीज क्या करे मुझे बताएं? नहीं देखिए, आजकल मैं चौबे साहब की यहां थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा जी. अभी तक आप सब बातों पे एग्री किए, थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी ना ये फैसिलिटीज अवेलेबल है जी. ये डॉक्टर चौबे की वजह से कि इन लोगों ने ट्रेनिंग दी है लोगों को, पीपल आर गेटिंग ट्रेन्ड नाउ. वी हैव पास्ड इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल लर्निंग कर्व था, वी हैव पास्ड दैट लर्निंग कर्व नाउ एंड मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल एटलीस्ट आई एम टॉकिंग ऑफ दिल्ली, दिस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इज अवेलेबल. वंस इट इज अवेलेबल इट इज टर्न आउट टू बी इट्स स्लाइटली चीपर, डेफिनेटली चीपर एंड ऑल्सो द एक्सपर्टाइज हैज टू बी ऑब्टेन्ड.
जो जैसे हमारे ये सब श्रोता जाने वाले थे तो दे शुड ही शुड फाइंड आउट कि कौन से हॉस्पिटल में, मैं ये कहूँगा हर हर जगह अवेलेबल है ना जी, इनको पता करना चाहिए कितने में ज़्यादा लोगों ने किया है, तो उसके हिसाब से जैसे मैं अब मेरे अस्पताल जहाँ मैं पहले काम करता था वहाँ हर आदमी नहीं करता था जी, लेकिन कुछ लोग थे जो इसके लिए स्पेशलाइज ट्रेनिंग उन्होंने ली और वही काम करते थे। यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी गॉल ब्लैडर रिमूवल के लिए अवेलेबल है, जी हाँ, ये है। हो सकता है कि आपको ढूंढना पड़े कि किस पर्टिकुलर हाँ, हॉस्पिटल में अवेलेबल है और कहाँ नहीं। इट इज अवेलेबल, इट इज अवेलेबल जी। एक जनरल चीज सर्जरी के बारे में है कि कोई भी सर्जरी कहीं पर भी किसी प्रकार की भी सर्जरी हो, सर्जन की एक्सपर्टिस तो चाहिए, वो इवन मेडिसिन में भी चाहिए। अगर आपने पेट का हार्ट अटैक को गैस समझ लिया तो पेशेंट तो मर गया। सो यू रिक्वायर ए प्रॉपर सर्जिकल ट्रेनिंग किसी भी सेटअप के अंदर में। इसीलिए एक हायरार्की होती है कि एक सीनियर सर्जन होता है, फिर एक उसका असिस्टेंट सीनियर जिसको एसोसिएट बोलते हैं वो होता है, फिर एक जूनियर होता है, और फिर न्यू कमर्स होते हैं जी। जो न्यू कमर्स होते हैं वो शुरू में वॉच करते हैं, फिर थोड़े सालों के बाद में या थोड़े महीनों के बाद में वो असिस्ट करते हैं, फिर जो सीनियर वाला होता है वो करवाता है और सबसे सीनियर वाला सुपरवाइज कर रहा है। वो हायरार्की इसीलिए बनती है ताकि धीरे 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 उसके अंदर में एक ट्रेनिंग टीम बन जाए। जो जूनियर वाला है जो सीख रहा है, जब उसका लर्निंग कब खत्म हो जाए वो प्रैक्टिस में जाके इंडिपेंडेंटली कर सके जी। दैट्स हाउ ऑल मेडिकल कॉलेजेस ऑल हॉस्पिटल हैव दिस सिस्टम। डॉक्टर चौबे का भी ये सिस्टम है जी। दे आर ट्रेनिंग सो मेनी पीपल जो पूरे इंडिया में जाके ऑपरेट कर रहे हैं। ये तभी छोड़ेंगे उसको जिस दिन इनको ये विश्वास हो जाएगा कि ये अब इंडिपेंडेंटली जाके ऑपरेट कर सकता है। चलिए इस बातचीत को आगे जारी रखेंगे। इस समय अनिल अग्रवाल जी का टेलीफोन है दिल्ली से, आइए इनका सवाल सुनते हैं। हेलो, हाँ जी अनिल जी नमस्कार। नमस्कार जी। ये मेरी मदर एस्थमेटिक हैं जी, और उनका डॉक्टर चौबे ने ऑपरेशन किया था जी। ये कैल्शियम एक्सेस इंटेक ऑफ कैल्शियम या एक्सेस इंटेक ऑफ स्टीरॉइड, क्योंकि एस्थमेटिक्स में तो स्टीरॉइड काफी लेने पड़ते हैं जी, तो उसकी वजह से भी क्या गॉलस्टोन हो सकते हैं? अनिल जी टेलीफोन करने के लिए शुक्रिया। डॉक्टर चौबे दो स्पेसिफिक चीजें जी। नहीं, इसका स्टीरॉइड से भी कोई रिलेशन नहीं है जी, और कैल्शियम से भी कोई रिलेशन नहीं है। स्टीरॉइड का रिलेशन सिर्फ होता है जब अगर मरीज को गॉलब्लैडर स्टोन है और वो स्टीरॉइड ले रहा है तो उसको कॉम्प्लिकेशंस गॉलब्लैडर के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। सो नेचुरली कोई भी पेशेंट अगर स्टीरॉइड ले रहा है, इससे एक दूसरा क्वेश्चन उठता है जी, अगर कोई पेशेंट स्टीरॉइड ले रहा है या तो ट्रांसप्लांटेड पेशेंट है या किसी अस्थमा के कारण ले रहा है या किसी रिमेटिक प्रॉब्लम या जोड़ों के प्रॉब्लम या ऑटो इम्यून उसके कारण अगर ले रहा है, ऐसे पेशेंट्स को अगर गॉल ब्लैडर स्टोन्स है चाहे उसके सिम्टम्स हो या ना हो, ही शुड गेट और शी शुड गेट ऑपरेटेड एंड गेट देयर कॉल। तो ये वो कॉम्प्लिकेशन रेट्स आर वेरी हाई जी। ये आप वो बात कर रहे थे कि इन्फॉर्मड डॉक्टर से क्यों पूछना जरूरी है, इस तरह के स्पाइट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस नॉट बीइंग देयर देयर आर सर्टेन केसेस वेयर दे कैन अराइज, दे कैन बी मोर रिस्की। इन्हीं के सवाल से जुड़ा हुआ एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, ब्रेक का वक्त बिल्कुल तैयार है। इन्होंने कहा कैल्शियम, गॉल ब्लैडर स्टोन्स नहीं होते, कैल्शियम की वजह से क्या शरीर में कोई स्टोन्स होते हैं? वो एक कंट्रोवर्सी है कि ज्यादा दूध पीने से क्या आपको किडनी स्टोन हो सकते हैं, ज्यादा कैल्शियम लेने से हो सकते हैं, वो भी एक मिथ है, कंट्रोवर्सी है, हम इस पे कुछ बहुत स्पेसिफिकली नहीं कह सकते हैं। अनिल जी टेलीफोन करने के लिए शुक्रिया। हमारी ब्रेक का वक्त बिल्कुल तैयार है, उससे पहले आपको एक बार फिर बता दें आज हम बात कर रहे हैं गॉल ब्लैडर डिजीज गॉल ब्लैडर स्टोन्स के बारे में। आपके सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर के अग्रवाल, डॉक्टर एमपी शर्मा और डॉक्टर प्रदीप चौबे हैं। आप हमारे ऑल इंडिया टोल फ्री टेलीफोन नंबर पे फोन करके अपने सवाल सीधे हमारे स्टूडियो में पहुंचा सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 1600-119-662, या फिर ईमेल कर सकते हैं healthyindia@dd.nic.in पर। आपसे फिर मुलाकात होती है एक बहुत छोटे से ब्रेक के फौरन बाद। पेट में गैस बनना या एसिडिटी गॉलस्टोन के कारण नहीं होता है। गॉलस्टोन से कैंसर होने की संभावना बहुत ही कम होती है। हो सकता है कि गॉलस्टोन के कोई लक्षण नजर ना आए। अगर गॉलस्टोन का कोई लक्षण ना हो तो उन्हें ना हटाएं। सख्त गॉलस्टोन को हटाने की जरूरत पड़ सकती है। पित्ताशय में सूजन को कॉल्सिस्टाइटिस के नाम से जाना जाता है। अचानक तीव्र सूजन की समस्या के सामान्य लक्षण हैं पेट के नीचे दर्द, बुखार, घबराहट, मतली और दस्त। लेप्रोस्कोपी एक सर्जिकल प्रक्रिया है जिसको विशेष यंत्रों द्वारा पेट के नीचे छोटा सा छेद करके किया जाता है। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम हेल्थी इंडिया। हमारा टोल फ्री नंबर है
16001169662 और हमारा ईमेल एड्रेस है healthyindia@dd.nic.in। इस ब्रेक के दौरान हमारे पास फिर एक ईमेल आई है, उसको लेने से पहले आपको एक बार फिर याद दिला दें, हेल्दी इंडिया में आज हम बातचीत कर रहे हैं गॉल ब्लैडर स्टोन्स के बारे में। आपके सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर के अग्रवाल, डॉक्टर एमपी शर्मा और डॉक्टर प्रदीप चौबे हैं। अभी तक हमें सीधी सीधी सी कुछ बातें समझ में आई कि पहली चीज महिलाओं में 40 साल की उम्र के बाद गोरे रंग में मोटापे के साथ और अगर आप फर्टाइल हैं तो पॉसिबिलिटी है गॉल ब्लैडर स्टोन्स की, लेकिन मेल्स में भी उतनी ही पॉसिबिलिटी है, उनको भी हो सकता है। अगर गॉल स्टोन्स डिटेक्ट हो जाएं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो सर्जरी ही एक अल्टरनेटिव है। दो ऑप्शंस हैं, कन्वेंशनल सर्जरी हो सकती है, लैप्रोस्कोपिक हो सकती है, और इसके अलावा अगर सिम्टम्स नहीं है तो भी किसी डॉक्टर से सलाह जरूर लें, क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपको फिर भी गॉल ब्लैडर रिमूव कराने की जरूरत हो। हम ब्रेक से ठीक पहले सर्जरी के बारे में बातचीत कर रहे थे और हमारे पास ईमेल आई है प्रियंका मोहिनी जी की। प्रियंका जी ने बिल्कुल सर्जरी से रिलेटेड सवाल पूछा है, डॉक्टर चौबे स्पेशली आपको एड्रेस करिए, इन्होंने अपनी ईमेल, इन्होंने कहा है कि 47 इयर्स इनकी एज है और गॉल ब्लैडर स्टोन्स इनको है, इनका वजन बहुत ज्यादा है, 113 किलो है। ये कहती है कि मेरे डॉक्टर ये कहते हैं कि सर्जरी कराना मेरे लिए एक नॉर्मल पेशेंट के मुकाबले ज्यादा रिस्की है। सिर्फ गॉल ब्लैडर से रिलेटेड ही नहीं, मैं वैसे भी जानना चाहूंगा क्या सचमुच एक पेशेंट जो ज्यादा ओबीस है सर्जरी उसके लिए ज्यादा रिस्की प्रोसीजर है? क्योंकि वजन ज़्यादा होने के कारण थोड़ा सा एनेस्थीसिया के प्रॉब्लम्स होते हैं, सर्जन को प्रॉब्लम होते हैं जी। बट मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि इस वजन में भी ऑपरेशन काफ़ी आसानी से हो सकता है, और वजन एक कॉम्प्लिकेशन का की जड़ होती है, चाहे उसको बीमारी हो उसमें भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन के डर है, उनको बाकी चीज़ों के भी और प्रॉब्लम के हैं। तो ओबेसिटी की सर्जरी भी लैप्रोस्कोपिकली की जाती है, जस्ट बाय द वे आई जस्ट वांटेड टू मेंशन कि अब लैप्रोस्कोपी से गैस्ट्रिक बैंडिंग और गैस्ट्रिक बाईपास वगैरह होते हैं, जिससे कि ओबीस पेशेंट इस चीज को दे कैन बी रिलीव्ड, मतलब इसके पहले कोई बहुत ज्यादा अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं थे, पर लैप्रोस्कोपी से अब ये सर्जरी हम लोग करते हैं गंगाराम हॉस्पिटल में। प्रियंका जी ने जो स्पेसिफिकली पूछा वो ये था कि तो उनकी सर्जरी में मुझे ज्यादा प्रॉब्लम होगी, हाँ, क्योंकि सर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ मोर डिफिकल्ट टू ऑपरेट, बट आई एम श्योर वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ मैनेजिंग दैट, दैट्स नॉट प्रॉब्लम। प्रियंका जी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अपनी बातचीत को जारी रखते हैं, लेकिन उससे पहले आपकी मुलाकात इस समय करा दें मंगल और विनीता जी से, वो भी इस समय स्टूडियो में हमारे साथ आ चुके हैं। मंगल और विनीता, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर अग्रवाल, आज ये लोग हमें क्या दिखा रहे हैं? पहली चीज तो है कि योग करके आप गॉल ब्लैडर डिसॉल्व नहीं कर सकते जी। अगर आप सोचते हो कि मेरे को स्टोन है, मैं योग करके स्टोन को डिसॉल्व कर दूंगा, वो पॉसिबल नहीं है। योग से आप गॉल ब्लैडर स्टोन को बचा भी नहीं सकते, सिंपल आसन करके। लेकिन हाँ, योग का पूरा लाइफस्टाइल जीते हो, पूरा डाइटिंग पैटर्न लेते हो, तो शायद आप इसको बचा सकते हैं जी। लेकिन हाँ, योग का एक डेफिनेट रोल है ओबेसिटी से, और ओबेसिटी का रोल है गॉल ब्लैडर स्टोन्स जी। तो हम एक आज जो आसन बात कर रहे हैं वो जनरल हेल्थ का आसन है, और ओबेसिटी के लिए भी अच्छा है, क्योंकि हमारे शरीर के सारे चक्रास को, और ये एक्सरसाइज भी देता है, चक्रास को भी स्टिमुलेट करता है जी, खासकर चेस्ट के और नेक चक्रा को। ये है कटी चक्रासन, खड़े होके करते हैं जी, और ये स्लो मूवमेंट में भी कर सकते हैं, रैपिड मूवमेंट में भी कर सकते हैं। अगर रैपिड मूवमेंट में कर रहे हो, इट इज ऑल्सो ए कैलोरी बर्नर। ओके, दिखाने जा रहे हैं कटी चक्रासन, जिसकी स्थिति है खड़े होकर। विवेक के लिए सबसे पहले खड़े हो जाएं, दोनों पैरों को 1 से 1.5 फुट का अंतर रखें, दोनों हाथों को सामने ले जाएं, श्वास को अंदर भरते हुए एक तरफ ले जाएं, दोनों हाथों को जितना पीछे ले जा सकते हैं मैक्सिमम लेते जाएं और ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए सामने वापस आएं। इसी प्रकार से दूसरी तरफ से करें, श्वास लेते हुए पीछे जाएं, इसी क्रिया को बार बार करें, करते जाएं, जल्दी जल्दी करें। कटी चक्रासन, सो दिस इज आल्सो गुड फॉर शोल्डर, दिस इज आल्सो गुड फॉर जनरल हेल्थ। इनफैक्ट अगर आप किसी भी सुबह पार्क में जाएं तो ज्यादातर लोग अपनी जो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, योग स्टार्ट करते हैं, तो कटी चक्रासन से धीरे धीरे वापस, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ योग। फिर नीचे, तो लेकिन इसे गॉल ब्लैडर स्टोन डिसॉल्व नहीं होगा, डिसॉल्व नहीं होगा। तो ये तो बातचीत हुई योग के बारे में। वापस अपनी बातचीत पे आते हैं, डॉक्टर अग्रवाल, डॉक्टर शर्मा और डॉक्टर चौबे, हमारे पास प्रोग्राम में वक्त बहुत थोड़ा सा बाकी है। अब जो बाकी सवाल हम लेंगे उनको समझिए कि रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं, बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस, बहुत स्पेसिफिक आंसर्स। डॉक्टर शर्मा, ये बताइए कि क्या कोई ऐसे केसेस होते हैं जहां लैप्रोस्कोपिक सर्जरी नहीं हो सकती? जी हाँ, ऐसे उसमें
जहाँ पे एक प्रीवियस सर्जरी हो गई हो, जहाँ पे एडिशन बन गए हो, वहाँ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी थोड़ी सी मुश्किल पड़ेगी. अदरवाइज विद न्यू टेक्निक्स अदर थिंग यू कैन डू इट. ऑब्स्ट्रक्शन है, पुराना किसी टाइम का ऑपरेशन हुआ है, तो जहाँ पे की एडिशन बन जाते हैं, जहाँ की वो देखना मुश्किल रहता है, दैट इज द ओनली थिंग आई कैन थिंक वेयर दे कैन नॉट ऑपरेट. बट आई थिंक इफ द सर्जन्स आर एक्सपर्ट एंड सर्जन्स आर गुड इन देयर वर्क, गुड एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकली बहुत कम सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी नहीं होती. एक उसमें से होता है जिसमें सिरोसिस होती है, जिसमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, एक दो चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी डिफिकल्ट होती है. जैसे डॉक्टर शर्मा ने कहा कि जो केसेस पहले ऑपरेट हो चुके हैं किसी और कारणों से, उनमें भी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी डिफिकल्ट होती है, बट हो जाती है. ये डिफिकल्टी सर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, एंड इफ दे आर इक्विप्ड It is possible. डॉक्टर शर्मा, एक और सवाल जो काफी लोगों ने हमसे पूछा वो ये कि क्या लिथोट्रिप्सी से गॉल ब्लैडर स्टोन्स को रिमूव किया जा सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं किया जा सकता. लिथोट्रिप्सी बिल्कुल इसके फेवर में नहीं. इट शुड नॉट बी डन. इट शुड नेवर बी डन. ओके. बेसिकली फॉर किडनी स्टोन, इट शुड स्टे फॉर किडनी स्टोन एंड दैट टू पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन्स, ये वहीं के लिए वहीं रहनी चाहिए. यानी फिर एक बार हम वापस उसी बात पे आते हैं कि अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं तो उसका एक रिमूवल जो है गॉल ब्लैडर का, वही एक उपाय है, उसके अलावा और कोई उपाय नहीं है. डॉक्टर चौबे, बहुत सारे पेशेंट्स ये जानना चाहते हैं कि जब गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया जाता है, क्या उसके बाद भी पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल लाइफस्टाइल लीड कर सकता? जी हाँ, बिल्कुल नॉर्मल स्टाइल. जो गॉल ब्लैडर निकलने से, क्योंकि गॉल ब्लैडर हम उसी का निकालते हैं जिसमें गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होते हैं, नेचुरली वी आर टॉकिंग ऑफ द डिजीज्ड गॉल ब्लैडर व्हिच प्रैक्टिकली मे बी पुअरली फंक्शनिंग और नॉन फंक्शनिंग और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मे बिकम नॉन फंक्शनिंग. सो उसका लाइफ स्टाइल में डॉक्टर अग्रवाल ने जो बोला है लाइफ स्टाइल modification, that lifestyle modification is important for every one of us. It is not related, it is to, not related a surgery. To a surgery. वो बिना सर्जरी के भी वही हेल्दी लाइफस्टाइल, लेकिन एब्सोल्युटली हेल्दी. अगर अगर सर्जरी करके गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया गया है तो इस वजह से आपको लाइफस्टाइल में कोई चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे. डॉक्टर अग्रवाल, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि गॉल ब्लैडर रिमूवल, हालांकि इस सवाल का हम जवाब दे चुके हैं फिर भी स्पेसिफिक रहेंगे, क्या गॉल ब्लैडर के रिमूवल के बाद मरीज को अपने डाइट में कोई चेंज करने की जरूरत पड़ती है? कुछ लोग कहते हैं कि फैट कम खाओ जी, तो फैट वैसे ही कम खाना चाहिए क्योंकि हम नॉर्मल आदमी को भी बोलते हैं फैट कम खाओ. देयर इज नो स्पेसिफिक लाइफस्टाइल आफ्टर गॉल ब्लैडर. ओके. लेकिन हाँ, जो डॉक्टर पहले भी बोल चुके हैं डॉक्टर शर्मा कि आपको गॉल ब्लैडर रिमूव करने के बाद में एक्सेस डाइट नहीं खानी, नहीं तो मोटे हो जाओगे. सो यू हैव टू गो बैक टू द सेम स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल which should be low animal fat diet, whether you have a gallbladder or you don't have a gallbladder. Okay. Dr. Sharma, चलते चलते आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा. शुरू में डॉक्टर चौबे ने जिक्र किया था कि gallbladder में कभी कभी कैंसर भी हो सकता है, बहुत छोटी सी पॉसिबिलिटी है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में. देखिए, ऐसा है कि gallbladder में कैंसर तो हो जाता है जी, और gallstone में से कारण है या नहीं, लेकिन ये देखा गया है कि अगर हम 100 gallbladder carcinoma देखें तो 80 में gallstone होते हैं. तो रिलेशनशिप तो डेफिनेट है जी, और वो जो रिलेशनशिप है उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि कुछ ग्रुप में गॉल स्टोन्स जो हैं मे लीड ऑन टू कार्सिनोमा. ओके. सो फॉर दैट रीजन ये कहा गया कि जो गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन मोर देन 3 सेंटीमीटर साइज में है या गॉल ब्लैडर की वॉल में कैल्शियम डिपॉजिट है जिसको पोर्सिलिन गॉल ब्लैडर कहते हैं जी, उसमें इंसिडेंस कार्सिनोमा डेवलप होने के ज्यादा होते हैं. तो ये ग्रुप जो पेशेंट है उसको जल्दी ही ऑपरेट कर देना चाहिए, जल्दी ऑपरेट करा लेना चाहिए. दूसरे जो कारण है, जो एक और कम्युनिटी है हमारे में जो पीमा इंडियंस करके हैं वो साउथ अमेरिका में है, उसमें ये देखा गया है कि उनको गॉलस्टोन्स भी ज्यादा हैं और उनमें कार्सिनोमा गॉलब्लैडर बहुत ही ज्यादा है. तो उनमें कहा गया है कि उनको तो जो अगर सिम्टम्स ना भी हों गॉलस्टोन के तो उनको ऑपरेट कर देते हैं. सवाल का जवाब देने के लिए शुक्रिया. हमारे प्रोग्राम का वक्त अब पूरी तरह खत्म हो चुका है. हमने कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब दिए जाएं. अगर उसके बाद भी कुछ बाकी बच गए हो तो आप अपने सवाल हमारे पास भेज सकते हैं. हमारी कोशिश होगी आगे आने वाले कार्यक्रमों में उन सवालों को शामिल किया जाए. फिलहाल वक्त आपसे इजाजत लेने का है. इजाजत लेने से पहले शुक्रिया अदा करना चाहेंगे डॉक्टर के अग्रवाल, डॉक्टर एमपी शर्मा और डॉक्टर प्रदीप चौबे का, जिन्होंने आपके और हमारे सवालों का जवाब दिया. अगर आप हमें बताना चाहते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है या फिर चाहते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक डिजीज को इस प्रोग्राम कवर करें तो उसके लिए हमें खत लिखें. हमारा पता नोट कर लीजिए. हमारा पता है हेल्दी इंडिया, रूम नंबर 503, दूरदर्शन केंद्र, आकाशवाणी भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, न्यू दिल्ली 110001, या फिर ईमेल कर सकते हैं healthyindia@dd.nic.in पर. फिलहाल वक्त आपसे इजाजत लेने का. अगले सप्ताह आपसे फिर मिलेंगे. अभी इजाजत दीजिए. नमस्कार.
कला एवं संस्कृति का गुलदस्ता डीडी भारती।